subscribe to Shemaroo Movies and hit the bell icon to never miss an update. कर्म है कर्तव्य अपना, कर्म हमने कर दिए, क्या बुरा है क्या भला है आप अब ये जानिए। सरकार बहुत बहुत मुबारक हो। शादी के इतने सालों के बाद भगवान ने आकर हमारी सुनी, हमारे खानदान का नाम रोशन करने के लिए उसने भेज दिया। सरकार आज आज तो जश्न होना चाहिए सरकार। हाँ मुनीम जी, जश्न तो ऐसा होगा जिसकी लोग मिसाल दिया करें। सरकार फिर तो मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर अपने आदमियों से कहूँ कि छोटे ठाकुर के आने की खुशी में अपनी अपनी दुकानें बंद करके रात के जश्न की तैयारी करें, और हुजूर मैं खुद जाकर शराब की दुकान को बंद कराता हूँ। नहीं मुनीम जी, शराब की दुकान खुली रखी जाए और जो भी ग्राहक आए उसको हमारी तरफ से एक एक बोतल शराब की मुफ्त दी जाए। आज हम इस इलाके के हर आदमी को खुशी से झूमता हुआ देखना चाहते हैं। हाँ हाँ देता हूँ, कितनी चाहिए? अरे दे दो 20 बोतल, आज हमारी बहन के घर बेटा पैदा हुआ है। पैसे निकाल। ये लो पूरे 20 बोतल। देता हूँ जब तक तुम भी ये पियो मुफ्त। मुफ्त क्यों? आज हमारे ठेकेदार के घर में भी बेटा पैदा हुआ है, जब तक मुफ्त पियो और खुशी मनाओ। अरे वाह, ठेकेदार की खुशी में पियो। ठेकेदार की नहीं, उसके बेटे की खुशी में। एक ही बात है। अरे चरण चरण,
दस बोतल असली दस बोतल नकली मिक्स करके जी समझे। ये लो अपनी बोतलें, अगर कम पड़ जाए तो ठेकेदार के हवेली में आकर के और ले जाना। और सुनो, ऐसी शराब दी है कि जिंदगी भर नशा ना उतरे। शांति ना संशया ओम शांति भवा। बाहरो बाहरो ठाकुर, बाहरो माँ का दूध पिया दो बाहरो। ये सब क्या है? ये उन बेकसूर आदमियों की लाशें हैं जो तुम्हारी दुकान की जहरीली शराब पी के मर गए। मैं कहे है तो इन्हें शमशान ले जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? शमशान तो हम इस हवेली को ही बना के रख देंगे ठाकुर, और उसमें इन लाशों के साथ तुम और तुम्हारे घर वालों की लाशें भी जलेंगी अगर तुमने इंसाफ नहीं। कैसा इंसाफ? इनकी जिंदगी का, इनकी जिंदगी वापस ला सकते हो? पागल हो गए हो क्या? मैं कोई देवता हूँ जो अमृत बनाकर इनको पिला दूं और ये जिंदा हो जाए? और मुझे अगर अमृत बनाना आता ही तो पहले मैं खुद ना पी लेता। जहर बनाना तो आता है, वो क्यों नहीं पिया? देखो, आज मेरे घर में पहला बेटा पैदा हुआ है और इस खुशी के मौके पर मैं किसी किस्म की बदचुपनी नहीं चाहता। बेहतर यही है कि तुम लोग यहां से चले जाओ। हम यहां से नहीं जाएंगे। तुमने इनकी जिंदगी ली है, तुम्हें इनकी कीमत चुकानी होगी। इनके घर वालों को इनकी मौत का मुआवजा देना होगा तुम्हें। मैं एक नया पैसा नहीं दूंगा। निकाल दो इन सबको बाहर, निकाल दो इन सबको बाहर। वालों ने शराब की दुकान को आग लगा दी। तुम यहां किस लिए आए हो? देखो अपने आदमियों को जलाकर राख कर दो इनकी बस्ती को। भेड़ के काबी को भून कर रख दो गोलियों से। क्या हो गया? क्या हो गया?
क्या हो गया था? पोछ ले बहन, ये उस राक्षस का बच्चा है जिसने तेरे बच्चे की जान ली, तो अपने बेटे का बदला ले ले, अपने हाथों से खत्म कर दे इसे, घोट दे इसका गला। नहीं, इसमें मुझे मेरा बेटा नजर आता है, ये मेरा बेटा है। शायद ठाकुर के लोग मेरा पीछा करते हो, यहीं आए। भाग जा बहन, भाग जा, जल्दी कर। ठाकुर का बेटा कहाँ है? मैंने उससे दूर भेज दिया, बहुत दूर, इतने दूर कि अब ठाकुर कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। मैंने ठाकुर से बदला ले लिया, अपने लोगों की मौत का बदला ले लिया है मैंने। जाओ, बोल दो उसे, वो जिंदगी भर रोए और तड़पे, उसका बच्चा उसे कभी नहीं मिलेगा। कुछ पता चला? नहीं, नहीं, मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा, लक्ष्मी, ये सब तेरे पापों का फल है। तूने लोगों के दिल दुखाए, दूसरों को गम दिए, भगवान ने तुझसे तुम्हारी खुशियां छीन ली। अब भी समझ जा, नफरत की जगह प्यार करना सीख, भगवान में विश्वास करना सीख। आदमी कुछ भी नहीं, जो है भगवान है, वही तकदीरें लिखता है। तू बेटे की जुदाई का गम बर्दाश्त कर सकी और चली गई। मैं 20 सालों से अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं। ये घर है, दौलत है, मगर किस काम की? ये सांस अटकी है तो शायद इसलिए कि मेरा बेटा जिंदा है और मुझे मिलेगा। भगवान पे भरोसा रखिए सरकार, वो जरूर जिंदा है। और आप देखिएगा, एक दिन वो खुद आकर इस घर का दरवाजा खटखटाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, कहाँ से आए? डालपतिया से। जल्दी चलिए डॉक्टर साहब। लेकिन भाई, ऐसी बरसात में जाएंगे कैसे? कलपतिया यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, और ऐसी हालत में तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। आप टैक्सी का मत सोचिए,
मैं आपको लेकर चलता हूँ। अरे सुबह अच्छी भली थी, शाम को घर आया तो देखा बुखार में तप रही है। सुबह तक ठीक हो जाएंगी। कुछ गोलियां दे दीजिए डॉक्टर साहब, ताकि जल्दी ठीक हो जाए। गोलियों की कोई जरूरत नहीं। हाँ, सुबह तक बुखार ना उतरे तो मुझे खबर कर देना। डॉक्टर साहब आपके पैसे? 20 रुपए। 20? डॉक्टर साहब मेरे पास सिर्फ 4 रुपए हैं, घर में भी कुछ है नहीं। डॉक्टर साहब सुना है आजकल खून बिकता है, आप मेरा खून ले लीजिए। मेरी फीस के लिए अपना खून बेचोगे? खून क्या डॉक्टर साहब, अपनी माँ के लिए मैं अपने आप को भी बेच सकता हूँ। जी तरह बरखुदा, भगवान हर माँ बाप को तुम जैसी औलाद दे, मुझे मेरी फीस नहीं चाहिए। क्या हो रहा है, क्यों मार रहा है इसे? अरे इसके सर पर तो जूती पड़नी चाहिए माजी, निकालिए जूती निकालिए। अगर मेरा कसूर हो तो मुझे 1 मारी है और 10 गिनी, और इसका कसूर हो तो इसे 10 मारी है और 1 गिनी। हुआ क्या, ये तो बोल। क्या बोलूं, घर में माँ बीमार हो, रात को डॉक्टर लाने तक की नौबत आ जाए, और बेटे को खबर तक नहीं, मैं मर तो नहीं गया था। बस बस, रात में तुझे खबर करता तो डॉक्टर को कौन लाता? अरे डॉक्टर क्या माँ, हम दोनों दोस्त मिलके पूरे अस्पताल को यहाँ उठा कर लाते। क्यों शंकर? अरे पहले मुझे अस्पताल लेके चल, इतनी जोर से मारा है तुमने। कैसी लगी? अच्छी लगी। तुम दोनों की दोस्ती देखकर कभी कभी डर लगने लगता है, कहीं किसी की नजर न लग जाए। चलो खाना खा लो। नहीं माँ देर हो गई है, तू खाना डिब्बे में दे दे, हम दोपहर को सेवाराम के ढाबे में खा लेंगे। हुई हुई तेरी तो। ये ले। रुद बहारा दी तैयारी तुसी दो यारा दी, पाजी चा पियो ते जुग जुग जियो। आज मैं 24 ऐसी इलायची मिलाई है कि कल तोड़ी कश्ती आगे आगे ते सारे दी पीछे पीछे। पाजी कल दी जीत दी खुशी विच मैं भी 20 रुपए दी शर्त आई है। हाँ बाल अटक गया, अब की बार कोई हमारे पीछे आ ही नहीं सकता दूर तक। अरे वो क्या हुआ था, पिछले साल हमारे यार की तबीयत थोड़ी सी नरम थी, इसीलिए दूसरे मैदान मार गए, लेकिन अब की बार सबके सब नरम और शंकर शंभू गरम। पाजी तुसी आज एक गलदा फैसला कर छड़ो। ओए किस गलदा? पाजी तोड़ी दुआ दी मिसाल फूल और खुशबू नाल दिन देने, ते मैनु ऐ दसो तोड़े विच फूल कौन ते खुशबू कौन? ये फूल और मैं खुशबू। अच्छा ये फूल और मैं इसकी खुशबू। ए भगवान जी, इस दोस्ती के फूल को सदा खिलाए रखना और जीवन की हर दौड़ में जीत दे। Come on!
एक तरफ है अपनी यारी, एक तरफ है दुनिया सारी। एक तरफ है अपनी यारी, एक तरफ है दुनिया सारी। तेरा प्यार जो साथ हो यारा, देखेगी देखेगी ये दुनिया सारी। क्या यारी क्या होती है, ओ यारी क्या होती है, दोस्ती क्या होती है, दोस्ती क्या होती है। एक तरफ है अपनी यारी, एक तरफ है दुनिया सारी। तेरा प्यार जो साथ हो यारा, देखेगी देखेगी ये दुनिया सारी। क्या यारी क्या होती है, ओ यारी क्या होती है, दोस्ती क्या होती है, दोस्ती क्या होती है। कुदरत की दुआ है, यारी उल्फत का नशा है, यारी का नाम खुदा है, यारी से बढ़कर क्या है। ये जान भला से जाए, यारी पे आँच ना आए, यारी पे जो जान लुटाए, दुनिया को वही समझाए। कि यारी क्या होती है, ओ यारी क्या होती है, दोस्ती क्या होती है, दोस्ती क्या होती है। मन को समझाए कि यारी क्या होती है, ओ यारी क्या होती है, दोस्ती क्या होती है, दोस्ती क्या होती है। मरने वाले जाबाज जवा दिल वाले, मिलकर जब साथ चले तो सर झुका ले दुनिया वाले। यारों के यार दीवाने, ढूंढे मरने के बहाने, जो मर कर जीना जाने, ये राज वही पहचाने। कि यारी क्या होती है, ओ यारी क्या होती है, दोस्ती क्या होती है, दोस्ती क्या होती है। एक तरफ है अपनी यारी, एक तरफ है दुनिया सारी। तेरा प्यार जो साथ हो यारा, देखेगी देखेगी ये दुनिया सारी। क्या यारी क्या होती है, तो यारी क्या होती है, दोस्ती क्या होती है, दोस्ती क्या होती है। शंभू शंभू, वाह 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 वाह, ये हुई ना मजदूरी। जब सारे मजदूर अपना आधा काम खत्म कर चुके तब तू आ रहा है। शंभू, तेरी रोज की मजदूरी बंद, तुझे पैसे पेड़ के हिसाब से मिलेंगे। मतलब
मतलब ये कि अब ये नहीं होगा कि सुबह से शाम तक एक पेड़ भी नहीं काटा और 5 रुपए लेके चल दिए घर। आज से तुझे एक पेड़ के 3 रुपए मिलेंगे, जितने पेड़ का उस हिसाब से पैसे ले जा। सोच लो मुनीम, घाटे में रहोगे। क्यों? शंभू की एक कुल्हाड़ी बड़ी भूखी है, ये पेड़ काटती नहीं, पेड़ खा जाती है। शाम तक अगर ये 10 पेड़ खा गई तो? अरे जी 10 पेड़ बड़ा आया, काट के दिखा दो। तो फिर पैसे गिन के रख, मैं अभी आया। मुनीम जी, क्या बात है, घुमा फिरा के बिगड़े बिगड़े मेरे सरकार नजर आते हैं, जंगल की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। देखो दिलीप देवराज जख्मी हैं। जख्मी नहीं, दिलीप देवराज घायल शिकारपुरी। देखो चाहे तुम घायल हो या शिकारपुरी, काम के वक्त तुम्हारी ये फिल्मी तानपुरी मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छी तो मुझे भी नहीं लगती, जब वो रोती है बेचारी गुलनार। गुलनार? हाँ। कौन गुलनार? कौन गुलनार? अरे चार मीनार पी के चार चिनार वाली गुलनार को भूल गए। अरे सारी बस्ती जानती है वो एक अनार और उसके 100 बीमार, जिनमें से एक आप भी हैं। जब वो बीमार तो कौन गुलनार? क्या हुआ मेरी गुलनार को? वो कह रही है उसकी जो बीमारी है वो आपकी देन है। मेरी? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, वो फरियाद कर रही है घुमा फिरा के, कह रही है उसकी कोख में जो बच्चा है वो आपकी देन है। यानी कि मैं हाँ। मैंने गुलनार को? अरे रे रे, ये आप घबरा क्यों रहे हैं घुमा फिरा के? ये राज राज ही रहेगा, आप सिर्फ गिन के 20 रुपए मुझे दे दीजिए। नहीं बेटा, नहीं दूंगा। अरे राज छुपाने के हम पैसे नहीं देते, राज फैलाओ तो कोई बात बने। दूर जाने से कुछ नहीं होगा, ठहर जाओ तो कोई बात बने। बात तो उस वक्त बनेगी जब बस्ती वालों को ये मालूम हो कि मैं अभी बाप बन सकता हूँ। ऐसा तो दुगना होगा पैसा। क्यों? इसलिए कि पब्लिक सिटी बहुत महंगी है, अब 20 के 40 होंगे घुमा फिरा के। निकालो 4 रुपए। सर तो नहीं फिर गया तेरा, हम बाहर से नहीं आए हैं, यही के हैं, रोज का आना जाना है हमारा। ठीक ठीक बोल। 3 रुपए से कम नहीं होंगे? अरे तुम हमको बेवकूफ मत समझो, किस बात के 3 रुपए, अकेली सवारी है और सामान भी कुछ नहीं। आप कितना देंगी? 2 रुपए। आइए बैठिए। ए शंकर, तू गाहकी खराब कर रहा है। अरे गाहकी ऐसा है, छोड़ने का दिल नहीं करता। आइए। अरे अभी तो मेरी बोनी नहीं हुई। आइए जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप मुझे 2 ही रुपया देना सिर्फ। अरे मैं आपको 1 रुपया में छोड़ देता हूँ। आइए। ये बात है, आपको मैं 8 आने में छोड़ देता हूँ। आइए। अरे छोड़िए, मैं आपको मुफ्त में छोड़ देता हूँ। आइए। अरे छोड़िए ना, मैं आपको पॉकेट से 2 रुपए दूंगा। आइए। उधर से इधर आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? उधर से चांद नहीं दिखाई दे रहा था। चांद और दिन में? हाँ, आपने देखा नहीं? नहीं तो? देखिए। तेज चलाओ, मुझे जल्दी है। आपका हुक्म सर आंखों पर, आप इसी तरह कहती रहिए और मैं यूं चलता जाऊं, मैं यूं चलता जाऊं। ला 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 अरे मैम साहब, आप कुछ भूले जा रही हैं। मुझे मालूम था तुम किराए के पैसे लोगे, ये लो। अरे किराए का पैसा तो मैं दूंगा, इस चांद की चांदनी में नहाने का, ये लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। अरे ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। अरे वरना कश्ती वालों की जबान का कोई भरोसा नहीं रखेगा, और मुझे भरोसा बनाना है ना? बात है, मेरी कश्ती मत ले। हट पीछे। मैं किराया कल दे दूंगा, तो कश्ती भी कल ले जाना। हम पर क्या जुल्म हो रहा है मुनीम जी, ये कश्ती हमारी रोजी है, हम भूखे मर जाएंगे, हम पर रहम खाओ मुनीम जी। जो किराया नहीं देता कश्ती छीन लो और सारी कश्तियां मालिक के पहुंचा दो। नहीं मुनीम।
कश्तियां झील में चलने के लिए बनाई गई है मुनीम, कोठी की रसोई घर की आग में जलने के लिए नहीं। कश्तियां झील में रहेंगी और मजदूरों के पास ही रहेंगी। शंकर तू बीच में ना, मालिक का हुक्म है कि जो लोग किराया नहीं देते उनसे कश्तियां छीनी जाएं। कश्तियां क्यों, जिंदगी छीन लो, क्या करेगा गरीब बेबस मजदूर? दो दिन भूखा रहेगा फिर मर जाएगा, लेकिन कब तक मरोगे, कितनों को मरोगे तुम? जिस दिन मजदूर नहीं रहेगा उसकी जगह तुम्हें लेनी पड़ेगी। और मुनीम दो चप्पू चलाओगे ना ये सांस ऊपर नीचे हो जाएगी। तू मुझे धमकी दे रहा है? जी तो चाहता है यहीं पर तुम्हारी कब्र बना दो। चल हट यहां से। तूने मुझे धक्का दिया, मुझ पर हाथ उठाया, अरे मुंह क्या देख रहे हो, तोड़ दो इसका हाथ, बंद कर दो इसकी जबान। रेशमा, तुझे डर नहीं लगता? किस बात का? अगर किसी के सामने भेद खुल गया तो? कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं? पिताजी की मौत के बाद वही एक दुकान है जिससे घर चलता है। लड़का इसलिए भी बनना पड़ता है कि सरकार लड़कियों को शराब की दुकान चलाने की इजाजत नहीं देती, इसलिए जब तक कोई सहारा नहीं मिल जाता गुजारा करना पड़ेगा। अरे यार शंकर उस पार छोड़ दे, जरूरी खाली नहीं है। खाली पड़ी है ना? बोला ना खाली नहीं है। अरे भैया छोड़ दे। अरे बोला ना खाली नहीं है। कमाल है, कमाल की क्या बात है, प्यार किया है कभी? आपका उस घर से मेरा मतलब, उस घर से आपका मतलब? तुमसे मतलब? जी नहीं कुछ नहीं। उस पार ले चलोगे? नहीं मेरा मतलब हाँ, आइए चलो ना। तुम्हारे पैसे। ये नोट तो मैं
अपने चांद को दिया था। ये कौन है? अरे महफिल से उठ जाने वालों, तुम पे क्या इल्जाम? एक चाय। जाए जाए हाय जाए और यहाँ, अरे ये पियो। ये क्या है? ये विस्की है और ये हिचकी है। ये पियो और जियो, पियो यार। अरे उस नीले थोसे की तरफ क्या देख रहे हो? पियो को पियो, पियो और पियो। ये उसके घर में घुसा था, ये उसके घर में घुसा था। उस दिन तो ये 2 रुपए का नोट और दुकानदार। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मत कर लो। दुकानदार, ये 2 रुपए का नोट तूने मुझे कश्ती चलाने के लिए दिया था, ठीक? हाँ दिया था। ये नोट तुझे कहाँ से मिला? कहाँ से मिला मतलब? तू उस घर से बाहर नहीं निकला था? अरे क्या मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता? नहीं निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। ओए तू बीच में मत घुस। मैं नहीं घुसूंगा, तू घुस। उस लड़की से तेरा क्या रिश्ता है? क्या लगती है तेरी वो? अरे अजीब बेवकूफ आदमी है, तू किस लड़की की बात कर रहा है? मेरे घर में मैं रहता हूँ और मेरी बहन रहती है। बहन? तुम्हारी बहन? भाईजान, बड़े भाईजान मुझे माफ कर दो, मैं गधा हूँ, उल्लू का पट्टा हूँ, मुझे माफ कर दो भाईजान। अरे क्या कर रहा है? मुझे माफ कर दो। अरे चढ़ गई है क्या? अरे चढ़ी नहीं भाईजान, उतर गई है। जिंदगी में पहली बार पिया हूँ, मुझे माफ कर दो भाईजान, मुझे आज माफ कर दो। ए तू मुझ में मत घुस। अरे जगह कम है क्या? ए भाईजान, जब तक आप अंदर से सच्चे दिल से मुझे माफ नहीं करेंगे, मेरा जीना हराम हो जाएगा भाईजान। अरे माफ कर दो। अरे क्या कर रहे हैं? अरे माफ कर दो। माफ कर दिया, माफ कर दिया। अरे भाईजान ने मुझे माफ कर दिया। अरे ईद मुबारक हो भाई। अरे पागल हो गए क्या? ईद मुबारक हो भाईजान, ये थोड़ा सड़ाएगा। आओ मेरे मिल लो। अरे ये तो चले गए। रेशमा, अरे रेशमा जी। अरे मैं शराबी से बात नहीं करती। देखिए मैं शराबी नहीं हूँ। झूठ बोलती हूँ, माफ कर दीजिए, ऐसी गलती कभी नहीं होगी, ये कश्ती वाले की जबान है। मेरे भाई साहब कह रहे थे तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम्हारे दिल में पाप है। ये भाई साहब क्यों होते हैं? खैर आप जिस दिल में हो उस दिल में पाप कैसे होगा ये बताइए। सुनिए रेशमा जी, मैं आपसे सचमुच प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, आप सिर्फ हाँ कह दीजिए। अगर मेरे भाई साहब ने ना कर दी तो मैं उन्हें मना लूंगा। मगर मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं? आप कह कर तो देखिए, मैं पहाड़ से कूद जाऊंगा, नदी में डूब जाऊंगा, आसमान से सितारे ले आऊंगा। अच्छा हाँ। तुम मुझे बहुत प्यार करते हो ना जी? मेरे लिए फूल तोड़कर ला सकते? अभी लाता हूँ। आपने कह दिया तो लाना ही पड़ेगा। Thank you.
देखा, तुझको चाहा, तुझको पूजा, अपना भाई कोई दूजा, तुझे पुकारे दिल मेरा दीवाना। देखा तुझको चाहा तुझको पूजा अपना भाए कोई दूजा तुझे पुकारे दिल मेरा दीवाना तेरे नाम का दीवाना तेरे नाम Thank you.
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो ठीक है, मगर आप इस तरह जंगल में अकेली कहाँ जा रही थी? मैं तो रोज ही अकेली जाती हूँ यहाँ से। अच्छा, हमने तो आपको कभी नहीं देखा। मैंने भी आपको, शायद भगवान को यही मंजूर था कि आप मुझे मेरे रक्षक के रूप में ही मिले। खैर चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अबे शहर में ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी बहन की शादी नहीं करवा देना चाहता घुमा फिरा के? और कौन सी ऐसी शादी है जो मैं नहीं करवा सकता घुमा फिरा के? तो फिर मेलाराम को मेरा साला बना दो ना। तो समझ ले के बन गया तेरा साला। कैसे? पैसे। पैसे? अबे तू अपनी कश्ती में लोगों को बिना पैसों के इस पार से उस पार छोड़ता है क्या? नहीं। तो फिर तू क्यों बिना पैसों के इस पार से उस पार जाना चाहता है रे? समझ गया। ये ले 10 रुपए। लेकिन ये 10 रुपए नहीं, इश्क की 10,000 उम्मीदें हैं। समझ गया, तू फिक्र मत कर, ये कोरी कोरी उम्मीदें वापस नहीं आएंगी। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम हाथ नशीनों की ठोकर में जमाना है, जमाने को दिखाना है। मेला राम मैं आ रहा हूँ तेरी बहन का हाथ मांगने के लिए। मेरे लिए? हाँ मेरे लिए। हाँ शंकर के लिए। अरे जय जय शिव शंकर, प्याला तेरे नाम का पिया। अरे मेला राम घुमा फिरा के जल्दी से दे दो। क्या? अरे वही जिससे मजा आ जाए। सीधी बात कर। अरे बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, मगर तेरी मुश्किल आसान कर दी। मेरी मुश्किल? हाँ, तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए ऐसा लड़का ढूंढा है, बेऐब बेगर्ज बेमर्ज। मगर? अरे मगर, तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए बेचैन बेकरार। अरे अब तो हाथ मिलाओ मेरे यार घुमा फिरा के। लड़का कौन? अरे वही जो हुआ करता है घुमा फिरा के। अरे अपना यार शंकर, कांटा लगे न कंकर। बोलो बात कर दूं पक्की? शादी तो उसकी करनी है। हाँ। लेकिन मेरा क्या होगा? तुम्हारा भी वही होगा जो उसका होगा घुमा फिरा के। देखो घर का सारा काम वो संभालती है, अगर उसकी शादी हो गई तो मेरे लिए खाना कौन पकाएगा? मैं पका दिया करूँगा। वैसे खाना तुम क्यों खाते हो, दारू पिया करो। मैं शराब बेचता हूँ, पीता नहीं, और होटल का खाना मैं खाता नहीं। घर का खाना खाओगे तो नौकरानी रख लो। जब मेरी बीवी आएगी और चूल्हा संभालेगी तब मैं रेशमा की शादी करूँगा। यानी कि अब पहले तेरी शादी का बंदोबस्त करना होगा मेला राम। हो गया झमेला शंकर। ए, क्या हुआ? दानी भिखारी बन गए। मतलब? मतलब ये कि उसे भी वही करना है जो तुझे करना है। क्या बक रहा है? बक नहीं रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, उसे भी शादी करनी है। किससे? अरे लड़की से। और किससे? कहता है पहले मैं अपनी शादी करूँगा फिर अपनी बहन की शादी करवाऊंगा। अरे यार, अरे यार, बड़ी मुश्किल से तो अपने लिए एक लड़की मिली। अब उस साले के लिए मैं कहाँ से लड़की लाऊं? एक 10 रुपए तेरे पास हैं? अभी तो दिया था। अरे वो तो तेरी शादी के लिए था, अब तेरे होने वाले साले की शादी भी तो पक्की करनी है ना, और बिना पैसे के काम नहीं चलता है शंकर। उसकी शादी होगी तो तेरी होगी, और तेरी होगी तो फिर शादी होगी ना। अरे अब तो मैं किसी से भी उसकी शादी करा दूंगा, चाहे जबरदस्ती क्यों ना करानी पड़े। जय जय शिव शंकर, प्याला फिर तेरे नाम का पिया। ये भी कोई जबरदस्ती है? मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। अरे तो हम कौन सी बारात लेकर उनके घर जा रहे हैं घुमा फिरा के? तो फिर लड़की देखने की भी क्या जरूरत है? हाय मिस्टर घायल, कैसे बसता है तेरा पायल? छम 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 छम, ये है मिस मैरी। ओ डार्लिंग। नो नहीं, मिसेज मैरी। और ये है मिस्टर मेला राम। क्या मेला राम? नमस्ते। आहा, क्या नमस्ते कहा है, दिलदार कमंदों वालों का। हर तीर नजर से गुजरे है, उड़ जाए होश हसीनों के। मेरा यार जिधर से गुजरे है, मिस मैरी। यस डार्लिंग। मिसेस मैरी, अपनी टेरी के लिए ये कैसा रहेगा? साइड साइड, वेरी ब्यूटीफुल, माय गॉड वेरी यंग। तुम देखो एकदम फूल की पंखड़ी के माफिक नाजुक है। हमारा बेटी के लिए तुम परफेक्ट है। तेरी काम सुन। जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। हेलो डियर
लग हायर। हेलो, कैसा है तुम? मैं हम तो अच्छा है। टेरी, हाँ? ये है मेरा दोस्त मेला राम। मैं तुम दोनों का मेल कराना हाँ? चाहता हूँ। यू मीन शादी? नहीं, मैं शादी वादी नहीं करूँगा। हाउ स्वीट, शादी का पहला हम तुमको एक किस देने को मांगता है। क्या बोल रही है? अरे 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 नहीं, वारी माय डार्लिंग, वन किस। अरे अरे हट, आओ, अरे हटो, अरे 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 मोटी हट। ओ माय गॉड, बस तेरे की चला गया। क्या बात है, पेड़ क्यों नहीं काटे? ये पेड़ मुझसे नहीं कटेगा मुनीम जी। क्यों? दिल ने बगावत कर दी है। अरे ये तेरी रोजी है, अगर इससे बगावत करेगा ना तो भूखा मरेगा। परवाह नहीं। लेकिन तुझे तकलीफ क्या है? मोहब्बत। हाय मेला राम, माय स्वीट मेला राम, कल तुम छोड़ के हमको क्यों भाग गया? हमको अच्छा नहीं लगा। तो रात को है ना, हमने तुम्हारा सपना देखा था। आज फिर देखना? नहीं, आज हम तुमको देखेगा। अरे, क्या करती हो? कितना पतला पतला मूंछ। अरे क्या कर रही हो, लोग देख रहे हैं। तुम उनको क्यों देखता है? मैं हमको देखो जैसा हम तुमको देखता। मत जाओ। अरे अरे पागल हो गई हो क्या? हाँ हम पागल हो गए, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अरे अरे छोड़। ओ माय डार्लिंग, ओ माय डार्लिंग, ओ माय डार्लिंग, ओ माय डार्लिंग। अरे भाई साहब क्या बात है, भाग क्यों रहे हो? वो लड़की। कौन सी लड़की? वो मोटी लड़की मेरे पीछे पड़ी है, मुझे कहीं छुपा दीजिए। छुपा कहाँ? आओ आओ यहाँ छुप जाओ। ओ यंग मैन, तुम मिला राम को देखा? कौन मिला राम? ओ वो स्वीट स्वीट सा बॉय, हमारा बॉयफ्रेंड, वो अभी भागकर इधर कुछ आया। हाँ तुम्हें देखकर कौन नहीं भागेगा? नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब जल्दी से जाओ नहीं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग जाएगा। ओ नो नेवर, अभी जाकर उसको पकड़ता है मैन। आओ। वो चली गई? हाँ मेला राम भी चला गया। क्या कह रहे हो मेरे प्यारे प्यारे भाईजान? तेरी बहन तो हाँ ना का जवाब देती नहीं। सोच रहा हूँ तुझसे ही शादी कर लूँ। मुझसे? हाँ इतराज है? ओहो ये मूछ रास्ता रोक रही है। लोगों में बहुत
किया लेना क्या संसार से मतलब तेरे प्यार से तुझ पे ये दिल हार के मैंने प्यार किया ओ तुझे प्यार किया तूने प्यार किया मैंने प्यार किया मजदूरों के लिए थकान कैसी चलिए मुझे एक बात करनी है कोई खास बात है हाँ तो कहिए ना वरना मैं दिन रात सोचती रहूंगी कि आप क्या कहने वाले थे सोचोगी ना मैं भी यही चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में सोचते रहो अच्छा मैं चलता मगर वह बात बात मेरी है किसी दूसरे की नहीं फिर कभी कह दूंगा ए शंभू हाँ आजकल रोज मुझे एक ही सपना आता है क्या कि तेरी शादी हो रही है हेलो शादी तेरी हो रही है और सपने तू मेरी शादी के देखता है मेरा सपना तो सच हो गया यार वो शादी की बात मान गई अच्छा एक बात बता हाँ तूने उसके साथ खुद ही बात की थी सच्ची यार अपने में एक खराबी है लड़की को देखते ही अपनी घिघी बन जाती है बात नहीं कर पाता मैं शमू तू एक काम कर क्या तू माँ को भेज दे ये ठीक है ऐसा करता हूं कल सवेरे सीधा मंदिर जाता हूं वहां से प्रसाद लेकर माँ जी के चरणों में काम बन जाएगा तेरा ये यार चलो माँ जल्दी मुंह खोलो मिठाई खा लो जल्दी से अरे अरे आज किस खुशी में मुंह मीठा करा रहा है तू खुशी तो बस तेरे हाथ में है माँ जब तक तुम्हारा ये हाथ मेरे सर पे है ना मुझे खुशियों की कोई कमी नहीं मगर एक बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कौन सी बात अब तू तो कभी सोचेगी ही नहीं मगर हम बेटों का भी तो कोई फर्ज है देखो ना तू हमारे लिए कितना कुछ करती है सुबह से शाम तक हर रोज काम करती रहती है चूल्हा फूंक फूंक कर तुम्हारी सांसें थक गई हैं आंखों की रोशनी भी मध्यम पड़ गई है लेकिन बेटा लेकिन वेकिन कुछ नहीं आज के बाद ऐसा नहीं होगा अब खाना बनेगा तो मेरे घर में शंकर के लिए भी और तुम्हारे लिए भी
तो क्या खाना तू बनाएगा? मुझे क्या खाना बनाना आता, मगर एक बात सोचने की माँ, इतने बड़े गांव में क्या मेरे लिए एक खाना बनाने वाली नहीं मिल सकती? अच्छा, तो तुझे खाना बनाने वाली चाहिए? ना ना ना, ना मुझे कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तेरे लिए। अब देखो ना माँ, जब बहू घर में आएगी तो तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जब तू थक कर सो जाएगी ना तो बहू आकर तुम्हारे पांव दबाएगी, सर दबाएगी और अच्छी अच्छी लोरियां सुनाएगी। मैं सब समझती हूँ, तू जरूर किसी लड़की से मिला है। बता कौन है वो, कहाँ रहती है, क्या नाम है उसका, बोल बोल। छोड़ो मैं बताता हूँ। तुम्हारा नाम रेशमा है ना बेटी? जी हाँ। मेरा बेटा ठीक ही कहता है, तुम सचमुच चौधरी का चांद हो। तो आप शंकर की माँ हैं? क्यों, मेरी शक्ल शंकर से इतनी मिलती है? हाँ, मैं शंकर की माँ हूँ, लेकिन मेरे दो बेटे हैं, शंकर और शंभू। आप बैठिए ना। हाँ, अच्छा किया शंकर ने आपको सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो शायद कह ही ना पाती। क्या नहीं कह पाती? वही जो आप कहने आई हैं। मैं तो तुम्हारी शादी की बात करने आई हूँ। माँ जी, मैं और शंकर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नहीं, शंकर और तुम, ये कैसे हो सकता है? नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं आपको कभी किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप मुझ में अपनी बेटी का प्यार पाएंगी, मैं आपकी हर पसंद पर पूरी उतरने की कोशिश करूंगी। मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं है माँ जी, मैं अनाथ हूँ। मुझे अपना लीजिए माँ जी, मुझे अपना लीजिए माँ जी। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, मेरे लिए आप ही भगवान है माँ जी। मुझे स्वीकार कर लीजिए माँ जी, मुझे स्वीकार कर लीजिए। नहीं बेटी, ये क्या कर रही है? मैं कहने कुछ और आई थी, और अब आप जो कहने आई थी कह दीजिए माँ जी। कैसे कह दूं कि मैं शंभू का रिश्ता लेकर आई थी और तू शंकर को प्यार करती है? अब मैं शंभू को क्या जवाब दूंगी? अरे हाय, कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले चलकर परवाने। क्या बात है घायल, बड़े दीप जला रहे हो, बड़े दिल जला रहे हो। अरे घायल की गत घायल जाने, और न जाने कोई। ये दूसरा कौन घायल हो गया? शंभू तू नहीं जानते तेरे साथ हुआ क्या है घुमा फिरा के। अरे शंकर की माँ को तू अपनी माँ बोलता है ना? बिल्कुल। हाँ, राम भी कई कई को अपनी माँ बोलते थे, किया क्या अपने बेटे को गद्दी दिलवा दी और राम को 14 साल का वनवास। अरे ये माँ तो कई कई की भी बड़ी बहन निकली। खबरदार अगर मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो। अरे अब कहने के लिए बाकी ही क्या रह गया है। अरे तूने अपनी शादी पक्की करने के लिए उसको रेशमा के घर भेजा था ना? हाँ। तो हो गई शादी पक्की। सच? हाँ, मगर तेरे साथ नहीं, उसके अपने बेटे शंकर के साथ। क्या? हाँ, आज रेशमा की सगाई शंकर के साथ हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अगर यकीन नहीं आए तो शाम को जाकर देख लेना। अब वो घोड़ी पर दूल्हा बनकर बैठेगा और तू बैंड बजा कर गाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शंकर, शंभू, शंभू, ए, ए शंभू, ए, कहाँ जा रहा है? बात क्यों नहीं कर रहा है? ए, तू घर क्यों नहीं आया? शंभू, अरे क्या बात है यार, आज के दिन नाराजगी भूल जा, तेरे बिना मेरी सगाई की रस्म पूरी नहीं हो सकती। दोस्त दोस्त कहकर मेरे खाओ पर और नमक मच रख, तो जैसा खुद कर जो घटिया आदमी मैंने। और शंभू, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देख दोस्त, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, जो कुछ भी मन में भूल जा, मां वहां तेरा इंतजार कर रही है। किस लिए? कुछ और डंक मारना बाकी रह गया उस नागिन के पास। क्या बोला तू? तूने क्या बोला? मां नागिन है? हाँ हाँ, नागिन है, वो नागिन से भी ज्यादा जहरीली है। शंभू, शंभू, वो
तेरी भी माँ है। वो सिर्फ तेरी माँ है शंकर, मेरी माँ इतनी कमीने नहीं हुई। खामोश! माँ के बारे में कुछ और मत बोल, मैं सुन नहीं सकूंगा। तो फिर जाके अपने कानों में शीशा भर ले। सिर्फ तुझे नहीं, सारी दुनिया से कहूंगा, एक बार नहीं हजार बार कहूंगा कि तेरी माँ कमीनी है, धोखेबाज है, डायन है, डायन। कोई गुलनार है? हाय, उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त भी आपको धोखा दे रही है घुमा फिरा के। अरे मगर मैं गुलनार से आपका मिलन करवा के रहूंगा, फिलहाल आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए। क्यों? बात ऐसी है कि सेवक राम के छोले भटूरों का बिल चुकाना है, इसी बांकड़े पर बैठकर गुलनार आपकी मोहब्बत की दास्तानें सुनाती है। अगर ये 10 रुपए मैंने सेवक राम को नहीं दिए तो वो मोहब्बत की दास्तानें किसे सुनाएगी? एक जाम आपकी मोहब्बत के नाम मोहब्बत जिंदाबाद। Thank you.
खाना खा ले। मन नहीं कर रहा है। सुबह भी तूने कुछ नहीं खाया था। मुझे भूख नहीं है। मैं जानती हूँ तुझे भूख क्यों नहीं है। उधर शंभू ने भी कुछ नहीं खाया होगा। मैं खाना साथ देती हूँ, तू जाकर उसे मना ले और उसी के साथ बैठकर खा ले। ए शंभू, शंभू, जो हो गया उसे भूल जा, खाना खा ले। मुझे मालूम था तूने मेरे बगैर रोटी भी नहीं खाई होगी। चला जा यहां से, मुझे कोई खाना वाना नहीं चाहिए। मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज है, लेकिन खाने से क्या नाराजगी? माँ ने बड़े प्यार से बनाया है। किसकी माँ? मेरी कोई माँ नहीं। माँ से भी नाराज है, अगर ये खाना खा लेगा ना सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। ये ले। मैंने खाना, मुझे नहीं खाना तेरा खाना। और याद रख, तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं, कोई रिश्ता नहीं। और चला जाए यहां से, आइंदा इस तरफ आना भी नहीं। क्या बात है सरकार, आज खाना नहीं खा रहे? मन नहीं करता मुनि जी। आज वही मनु उस दिन है जिस दिन मेरा बेटा गुम हुआ था। आज के दिन ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में तनहाई कभी खत्म नहीं होगी, मेरा बेटा मुझसे कभी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? लेकिन एक बात है सरकार, अगर कभी आपका बेटा आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्यों नहीं, हमारे बेटे के बाजू पर हमारी खानदानी मोहर त्रिशूल का निशान है। अच्छा अच्छा, तो त्रिशूल का निशान। सेठ चोरी करने आया था। अच्छा तो चोरी करने यहाँ पर आया? नहीं नहीं, नहीं चोरी के लिए नहीं, रोटी के लिए आता जी। रोटी के लिए? रोटी तो तुझे अब जेल में मिलेगी। आराम से मुझ पर दया करो सेठ जी, मेरी हालत पर तरस खाओ। मैं चोर नहीं हूँ, मैं सच कहता हूँ मैं चोर नहीं। कौन हो तुम? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? मेरी माँ नहीं है, वो मर गई। और बाप कहाँ है तुम्हारा बाप? मालूम नहीं, मेरी माँ ने मरते वक्त कहा था कि मुझे किसी के यहाँ से उठा कर लाई थी। सच? मैं बहुत बदनसीब हूँ सेठ जी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यतीम पर रहम खाइए। नहीं तुम यतीम नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। मुनीम जी देखो, हमारा खोया हुआ बेटा मिल गया है। ये देखो त्रिशूल का निशान, ये सरकार, ये तो वही है सरकार, बिल्कुल वही है सरकार। तो क्या मैं मर गया? हाँ तुम मेरे बेटे हो। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, ये सारी जमीन, ये सारे जंगलात सब आपके हैं छोटे बाबू। इन जंगलों से तो करोड़ों की कमाई हो सकती है। अरे बिल्कुल हो सकती है छोटे बाबू, लेकिन अब बड़े सरकार को कौन समझाए? वो कहते हैं कि करोड़ों के लालच किस लिए करते हो मुनीम जी? कौन है खाने वाला? आने वाले आ गए। हाँ, कौन आ गए? आने वाले आ गए। आ गए छोटे बाबू। आप लोग खामोश रहिए, तो इस खुशी में जंगल में काम करने वाले हर मजदूर की तनख्वाह 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी गई है। ठेकेदार साहब की जय। ठेकेदार साहब की जय। मालिक हो तो ऐसा। छोटे सरकार तो हमारे लिए लक्ष्मी का अवतार बनकर आए। अब गरीबी दूर हो गई है भैया, अब तो मैं अपने बाल बच्चों को 2 वक्त भर पेट खाना खिलाऊंगा। इस बुढ़ापे में अपने बेटे को पाकर बड़े मालिक को जो आनंद और खुशी मिली है, वही आनंद और वही खुशी आप सब में बांटना चाहते हैं। धन्य है। वो चाहते हैं
कि जो मजदूर मेहनत और ईमानदारी से उनके लिए काम करते करते अब बूढ़े और कमजोर हो गए हैं, उन्हें आराम की सख्त जरूरत। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आबादी के आसार नजर आते हैं। चुप्पे, इसीलिए बड़े सरकार ने यह फैसला किया है कि जो मजदूर अपनी उम्र के 50 साल पूरे कर चुके हैं उनकी आज से छुट्टी, ताकि जिंदगी के बाकी दिन वो हंसी खुशी के साथ सुख चैन के साथ अपने बाल बच्चों के साथ गुजार सके। ये क्या कह रहे हैं, निमटी मालिक ऐसा नहीं कर सकते। क्या छोटे सरकार के घर आने की खुशी हमारे लिए मातम है? मैंने 30 साल सरकार की सेवा की है, अब इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ। सरकार से 30 साल तनख्वाह भी मिली है, कोई मुफ्त में काम किया है क्या? मुनीम जी, अगर काम काज न रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुनीम जी, मुझे नौकरी से ना निकालो, मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे तो कोई बाल बच्चे नहीं है। दया करो मुनीम जी, दया करो। वाह, इसी खुशी में आपको इनाम मिलना चाहिए। बड़ी मेहरबानी छोटे सरकार, वाह 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 वाह, मालिक हो तो ऐसा। ये लीजिए 5,000 रुपए। अच्छा सर। हाँ, हम अपनी खुशी आपके साथ बांटना चाहते। धन्यवाद धन्यवाद। मुनीम जी, मेहनत और ईमानदारी से काम करते करते आप बूढ़े हो गए, इसलिए अब आपको आराम की जरूरत है। हमने फैसला किया है कि आज से आप काम नहीं करेंगे, आप घर बैठकर अपने बाल बच्चों के साथ अपनी जिंदगी के बाकी दिन सुख और चैन से गुजारेंगे। छोटे सरकार, आप मजाक कर रहे हैं, आपको मालूम है कि मेरी कोई औलाद नहीं है। तो हमने कब रोका है मुनीम जी? छोटे सरकार, मैंने 30 साल तक मालिक की सेवा की है, इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा। 30 साल तनख्वाह भी तो मिली है, तुमने मुफ्त में तो काम नहीं किया। आप मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकते। अरे कैसी नाइंसाफी मुनीम जी, तुमने मजदूरों के साथ जो किया है वही इंसाफ तो हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। ये सरासर जुल्म धोखा है, मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिन हाथों ने तुम्हें खाना खिलाया, तुम उसी को काट देना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। अब मेरी जबान खुलेगी और तुम्हारी किस्मत के सारे दरवाजे बंद होंगे। Thank you.
आप लोग कहाँ जा रहे हो? काका कहाँ जा रहे हो? अपनी बस्ती अपना घर छोड़ के कहाँ जा रहे हो? ये मकान तोड़कर खाया तो नहीं जा सकता, फिर भूखे पेट कब तक रहेंगे यहाँ? नहीं काका, मत जाओ, अपनी बस्ती छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ। बिना कमाई के कैसे रह सकते हैं? एक दिन, सिर्फ एक दिन, मैं ठेकेदार साहब से बात करता हूँ। नहीं बेटा, ठेकेदार के सामने मत जाना तू। मगर क्यों? कहीं उसने तुझे पहचान लिया तो? पहचान लिया? हाँ, बड़े लोगों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। वैसे भी जंगलों का काम ठेकेदार ने अपने बेटे को सौंप दिया है। उससे क्या माँ, ठेकेदार साहब हमारे माई बाप है। भाई लोग, मुझे थोड़ी देर की मोहलत दो, मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ जंगलों में काम जरूर मिलेगा। मैं ठेकेदार साहब से मिलकर आता हूँ। तुम कश्ती चलाते हो ना? जी। तो तुम्हें जंगल में काम करने वाले मजदूरों से इतनी हमदर्दी क्यों? छोटे बाबू, जब पड़ोस में गीली लकड़ी सुलगती है ना, तो धुआं अपनी आंखों में भी लगता है। तुम्हारी आंखों में लगता होगा, और हमारे पास तुम्हारी आंखों का कोई इलाज नहीं। धुएं का इलाज तो है। आप मजदूरों को वापस नौकरी पर रख लीजिए, उनके चूल्हे फिर से जलने लगेंगे। कभी नहीं। जो काम करने के काबिल नहीं रहे उन्हें काम पर नहीं रखा जाएगा। मगर उन्होंने सारी जिंदगी आपके लिए काम किया, आप बुढ़ापे में कहां जाएंगे? कहीं भी, दुनिया बहुत बड़ी है। मजदूर के लिए मालिक का दिल सारी दुनिया से बड़ा होता है। आप चाहें तो उन्हें बर्बादी से बचा सकते हैं। बर्बादी? अरे बर्बादी आबादी तो होती रहती है। पुराने पत्ते टूटते हैं, तभी नए पत्ते आते हैं। नए जवान मजदूर आएंगे तो काम ज्यादा होगा, कमाई ज्यादा होगी। क्या तुम इस इलाके की तरक्की नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहता साहब, क्यों नहीं? लेकिन महल बनाने के लिए जरूरी नहीं कि गरीबों के झोपड़े तोड़े जाएं। आप लाखों कमाइए, लेकिन उन गरीबों को भी कुछ कमाने का मौका दीजिए। कमाए? हमने कब रोका है? खूब कमाए। अगर यहां काम नहीं है तो बस्ती छोड़कर चले जाए। वाह छोटे बाबू वाह, खूब इंसाफ कर रहे हो। पहले तो घर से बेघर कर दिया, अब बस्ती से भी निकालना चाहते हो? इतना जुल्म मत करो छोटे बाबू कि गरीब की बर्दाश्त बगावत कर दे। क्या मतलब? धरती से ज्यादा सब्र और किसी के पास नहीं होता, मगर उस पर भी बार बार पांव मारोगे तो वो अपनी धूल से तुम्हारी आंखें अंधी कर देगी। तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं छोटे बाबू, आपको होश में ला रहा हूं। दौलत के नशे में यह मत भूलो छोटे बाबू कि जब भूख लगती है तो गरीब का दिमाग घूमता है, और जब दिमाग घूमता है तो रोटी के लिए एक ठेकेदार नहीं सारी दुनिया को घुमाकर रख देता है। और ये वक्त मत आने दो छोटे बाबू, मत आने दो। खामोश, वक्त हमारी मुट्ठी में, जो हम चाहेंगे वही होगा। कल से तुम्हारी कश्तियां भी इस झील में नहीं चलेगी। क्यों? ये झील तुम्हारे बाप की है। हरामजादे! खबरदार, पहले ये हाथ देख लो। ये हाथ थूक लगाकर नोट गिनने वाले हाथ नहीं है, ये एक मजदूर का हाथ है जो दिन भर चप्पू चलाता है, जो पानी का सीना चीर कर आगे बढ़ना जानता है। अगर ये उठ जाते हैं तो आसमान झुक जाता है। अच्छा, हरामजादे, तेरी ये हिम्मत? मेरे बेटे पर हाथ उठाता है, तेरे हाथ तोड़कर रख दूंगा। उठा हाथ, उठा। नहीं मालिक, ये हाथ अपर कभी नहीं उठेगा। लेकिन ये हाथ उठेगा। नहीं मालिक, ये हाथ आप पर कभी नहीं उठेगा।
शंभू। मतलब की बात करो छोटे सरकार, आपको मुझसे काम क्या है? शंभू, छोटे सरकार ने जब तुम्हारा नाम और बहादुरी सुनी तो बोले हम इस इंसान से आज तक मिले क्यों नहीं। मैंने कहा सरकार हम उसे अभी बुलाकर लाते हैं। बोले नहीं, उस बहादुर आदमी को हम खुद मिलने के लिए जाएंगे। और चले आए ताली बजा के। हम तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहते हैं शंभू। दोस्त? आजकल दोस्ती का नाम गर्ज हो गया छोटा सरकार। खैर तुम अपनी गर्ज बताओ। देखो शंभू, जैसे शंकर तुम्हारा दुश्मन है वैसे ही हमारा भी है। और शंकर के दो दुश्मन अगर आपस में दोस्त बन जाए तो शंकर यूं गिरेगा मुंह के बल पर। इतना कमजोर मत समझो उसे। इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं शंभू। उस पार वालों का एक ही पेशा है, वो सिर्फ कश्तियां चलाकर ही अपना पेट भरते हैं। और अगर उनकी कश्तियां चलना बंद हो जाए तो मुझे अपनी दुश्मनी का रंग दिखाने का मौका मिल जाएगा। जाओ छोटे सरकार, कल से झील में कश्तियां नहीं चलेगी। आइए सामान सुनिए, सिर्फ 50 पैसे सवारी, सिर्फ 50 पैसे, सिर्फ 50 पैसे में झील के उस पार जाइए, सिर्फ 50 पैसे में। समय की बचत, पैसे की बचत, 50 पैसे सवारी, 50 पैसे में मोटर बोट की सैर कीजिए। 50 पैसे? छोड़ो, मैं मोटर बोट से जाऊंगा। सब कश्ती से नहीं सब, सब छोड़ो, मैं बोने नहीं सब। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? बहुत गरीब आदमी हूँ सब, बहुत गरीब आदमी हूँ। ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो भिखारी कहीं का। शंकर भैया अब क्या होगा? क्यों, कैसे हो शंकर? तो हमें बर्बाद करने का ये रास्ता निकला है छोटे बाबू। हमने तो नया बिजनेस शुरू किया है, तुम्हारी कश्तियों के साथ हमारी मोटर बोट भी चलेगी। हम भी कमाएंगे, तुम भी कमाओ, कमाओ जितना कमा सकते हो। बहुत अच्छे, पहले दांत तोड़ते हो उसके बाद खाना देते हो, वो भी पत्थर डालकर, और कहते हो कि खाओ जितना खा सकते हो खाओ। अभी कहां दांत तोड़े हैं, दांत तो तब टूटेंगे जब तुम सब के सब रोज अपनी अपनी कश्तियां लेकर यहां आओगे और किसी को भी दिन में एक भी सवारी नहीं मिलेगी। बहुत घमंड था ना अपने हाथों पर, अब दिखाओ अपनी ताकत, कर सकते हो मुकाबला इस मोटरबोट से, ले जा सकते हो अपनी कश्ती इससे आगे, चला सकते हो अपने हाथ इस मशीन से तेज। हमें ललकारो मत छोटे बाबू। तो करते हो मुकाबला, बोलो करते हो मुकाबला, लगाते हो मोटरबोट से कश्ती की दौड़। हम सबके सामने शर्त लगाते हैं, अगर तुम इस दौड़ में जीत गए तो हम अपनी मोटर बोट इस झील से निकाल लेंगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो आइंदा इस झील में कभी कश्तियां नहीं चलेंगी। बोलो लगी शर्त? नहीं शंकर भैया। क्या कर रहे हो शंकर भैया? मशीन का मुकाबला याद कैसे करेंगे शंकर? हट, हिम्मत कभी नहीं हारती। मुकाबला होगा छोटे बाबू। तो बराती पूरनमासी को दौड़ यहीं से शुरू हो। ये कैसी शर्त लगा ली शंकर, तूने अपने हाथों से अपना गला घोट दिया है। ये मुकाबला नहीं शंकर, खुदकशी है। मुकाबला करके मरना बहादुरी होती है, खुदकशी नहीं। छोटे बाबू हमारी हिम्मत और हमारे हौसले तोड़कर हमें खुदकशी करने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन हम बुजदिलों की मौत नहीं मरेंगे। आओ मेरे साथ, हमें अपनी मंजिल इस रास्ते से मिलेगी। बड़े रास्ते से ये 5 किलोमीटर छोटा है, हम कश्ती यहां से ले जाएंगे। ये रास्ता तो सालों से बंद है, इस कीचड़ में तुम्हारी कश्ती फंस जाएगी शंकर। कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका ना हो उनका खुदा होता है। आंसू भरी है ये झीलों की राहें, अरे कोई इनसे कह दे कि ये झील भूल जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि
झील का जो झोल झाल वाला रास्ता था ना, शंकर ने छील छाल के उस रास्ते को साफ कर लिया है घुमा फिरा के। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, अरे वो झील का मैदान भी साफ कर देगा घुमा फिरा के। शंकर कुछ भी साफ करवा ले ताली बजा के, लेकिन सफाया उसी का होगा, क्योंकि शंकर के पास चप्पुओं वाली नाव है और हमारे पास मोटर बोट है। मोटर बोट सनसनाती हुई निकल जाएगी शंकर की नाव से आगे ताली बजा के। एक और बना दो ताली बजा के। शंकर को इतना कमजोर मत समझो, तो उसके पाजों की ताकत को नहीं जानता। उसके चप्पू तुम्हारे मोटर बोट के इंजन का गला दबा देंगे। अगर उसने झील में अपना रास्ता बना लिया है तो जीत उसी की होगी, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं, तुम भी नहीं। इस मुकाबले में हमारी हार तुम्हारी हार भी है शंभू, और हम जानते हैं कि शंभू को कोई नहीं हरा सकता, शंकर भी नहीं। मेरी जीत हो ना हो, मगर शंकर की जीत नहीं होगी। तो फिर कोई रास्ता सोचा है? तुम लोग रास्ता सोचो, मैं रास्ता नापता हूं। रास्ता सोचना नहीं, रास्ता रोकना है, और मैं उसका रास्ता ही गायब कर दूंगा, बारूद बिछा दूंगा उसके रास्ते में। लेकिन बिछाओगे कैसे, शंकर के चाहने वालों ने वहां पहरे लगा रखे हैं। शंभू तुम पहरे की फिक्र मत करो, बारूद बिछाना तुम्हारा काम है और पहरा हटाना हमारा काम। Ah!
शंभू, क्या सोच रहे थे? पकड़े नहीं जाओगे? अब पकड़े भी गए तो क्या, हमने जो करना था कर दिया, तुम्हें जो करना हो कर लो। हमें सिर्फ एक ही काम करना है शंभू, ये दौड़ जीतनी है। इसके बाद भी तुम समझते हो कि दौड़ जीत जाओगे? मैं नहीं, हम। हमने हमेशा आज तक हर दौड़ जीती है, लेकिन इस बार की हार या जीत मेरी नहीं उनकी है, जिनमें से तू भी एक है शंभू, जिनकी बाहों में उछल उछल कर तू इतना जवान हो गया है। इस दौड़ की हार के साथ साथ उनकी बाहें हमेशा के लिए बेकार हो जाएंगी शंभू, हमेशा के लिए बेकार हो जाएंगी, और ये हम होने नहीं देंगे। हमेशा की तरह शंकर शंभू मिलकर कश्ती चलाएंगे तो बड़ी बड़ी मोटर बोट का दम तोड़ देंगे। हाँ शंभू, तू हमेशा मेरा दूसरा हाथ रहा है, और आज मुझे फिर से अपना दूसरा हाथ चाहिए शंभू, फिर से दूसरा हाथ। आज तुझे दूसरा हाथ याद आया, वो दिन भूल गया तू जब झूठ की तलवार से तूने उस हाथ को काटकर फेंक दिया था, जब मुझसे कहा था कि मेरी शादी की बात करने के लिए मां को भेज दे, और मां से कह दिया कि रेशमा से अपनी शादी की बात पक्की कराएं, जिसे दोस्त कहते हो उसी के दिल पर डाका डालते हो। जिस आग में आज तक मैं जला हूं, आज के बाद तू जलना, और साथ में इस बस्ती के सारे लोग। अब चढ़ना घोड़ी, पहनना सहरा, और साथ में ले जाना भूख से मरे हुए बरातियों की लाशें। कल की इस दौड़ के बाद यहां बस्ती नहीं, शमशान होगा, लंबा चौड़ा शमशान, जिसमें चिताएं जल रही होगी दोस्ती की, बेवफाई की। तेरे दर पर आए हैं हम दोनों तो साथ आए भगवान, लेकिन आज मैं अकेला आया हूं, और तू जानता है क्यों। मुकाबला बराबर का नहीं है भगवान, एक तरफ अमीरी है, उसकी दौलत है, उसकी ताकत है, और एक तरफ गरीबी, उसकी मजबूरी है, उसकी रोटी है। अमीर और ताकतवर का साथ सभी देते हैं भगवान, लेकिन हम जैसे गरीबों की ताकत, भरोसा, उम्मीद सिर्फ तू है भगवान, सिर्फ तू है। शंकर, तू भी भगवान से कुछ मांगने आया है? मैं भी आई हूं, पूछो क्या क्या बात है। चलो हम दोनों मिलकर भगवान से कुछ मांगे। चली जाए यहां से, तेरे लिए तो भगवान के घर में भी कोई जगह नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया है? तूने, तू ही तो फसाद की असली जड़ है, ना तू पैदा होती, ना मैं तुझसे मिलता, ना आज ये दिन देखना पड़ता। मगर हुआ क्या, मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर
एक माँ से उसके बेटे को अलग करने वाली तू है, एक भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बनाने वाली तू है। तेरे कारण शंभू के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो गई। तेरे कारण उसने बस्ती वालों का साथ देने से इनकार कर दिया। अगर मुझे मालूम होता शंभू तुझसे प्यार करता है तो जिंदगी भर मैं तेरी तरफ देखता भी नहीं। अगर कल हम दौड़ में हार गए तो बस्ती वालों की बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ तू होगी, सिर्फ तू। कौन है? मैं तुमसे गांव वालों के लिए तुम्हारा साथ मांगने आई हूँ। अच्छा, तो शंकर ने तुम्हें यहाँ भेजा? मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। इस वक्त गांव वालों को तुम्हारी सख्त जरूरत है और इसके लिए तुम जो चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। आज तुम कुछ भी कर सकती हो, क्योंकि आज शंकर को मेरी जरूरत है। वो शंकर जिसने दोस्ती के नाम पर थूक दिया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। मगर उससे क्या, तुम तो मुझे चाहते हो और इतना चाहते हो कि मेरे लिए अपने दोस्त के भी दुश्मन बन गए। उस दोस्त के जिसके लिए सारी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ, वो दोस्त जो तुम्हें अपना मान, अपना ईमान, अपना भगवान समझता है, और तुमने तो उसे कभी मेरे बारे में बताया भी नहीं। अगर तुम उससे प्यार करते थे तो उसे छुपाया क्यों? जब शंकर को पता चला तो उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सारा इल्जाम मुझ पर थोप दिया, जैसे मैंने ही तुम दोनों की दोस्ती में आग लगाई हो। मेरी ही वजह से तुम दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो। मैं क्या तुम दोनों की दोस्ती से बढ़कर हो गई? बोलो, शंकर जैसे दोस्त की दोस्ती छोड़कर किसे अपनाना चाहते हो तुम? मट्टी के इस जिस्म को, मांस और हड्डी के इस पुतले को? तो लो, बुझा लो अपनी प्यास, मिटा लो अपनी भूख। आज मैं खुद तुम्हारी हवस का शिकार बनने आई हूँ। लो, कर लो अपनी हवस पूरी। मगर अपनों का साथ मत छोड़ो। कल की दौड़ अगर शंकर नहीं जीता तो ये सारी बस्ती उजड़ जाएगी। इसे उजड़ने से बचा लो, अपने दोस्त की लाज रख लो, अपने दोस्त की इज्जत रख लो। रो नहीं, घर जाओ रेशमा। अब ये बस्ती नहीं बिछड़ेगी।
ये कट्टारी है शंभू की। शंभू ने उस रास्ते से बारूद निकाल दिया था और शंकर उसी छोटे रास्ते से गया, पर मुझसे रेस जीत गया। आज तक हमारे बेटे से जीतने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। पिताजी, आपने अपने आने की कोई खबर ही नहीं दी। हाँ, और हमें यहाँ की सब खबरें मिल चुकी। 2 रुपए रोज कमाने वाला शंकर हमारे बेटे से मुकाबला करेगा? आज तक उन बस्ती वालों के सर हमेशा हमारे कदमों में झुके रहे, किसी ने हमारे सामने सर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं, और तुमने उनको अपने मुकाबले में खड़ा होने का मौका दिया। तुम्हारे सामने उनकी औकात ही क्या? तो गल जी मालिक, अपने लठैतों को भेजो और रात के अंधेरे में शंकर को उठवाकर गायब करवा दो। जमीन को आसमान के साथ मिलाने की गलती की, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे से मुकाबला करने की? हमारे ही टुकड़ों पर पला हुआ कुत्ता अगर हमको घुराए तो हम उसको खत्म कर देते। जानती नहीं, हमें गुस्सा आ जाए तो हम बस्तियों की बस्तियां जलवा कर राख कर देते। जानती, उन जली हुई बस्तियों की राख की एक चुटकी मैं भी हूं। हाँ, मगर बरसों पहले की जो आग मेरा घर, मेरा पति, मेरा बच्चा खा गई, उस आग की तपिश में आपका दामन भी जला था। क्या मतलब तुम्हारा? याद कीजिए, उस रात आपने भी कुछ खोया था। इन्हें पहचानिए ठाकुर साहब, शायद आपको याद हो, उस रात इसी कोठी में जन्म लेने वाले एक बच्चे को यही कपड़े पहनाए गए थे। अगर अब भी याद ना आया हो तो इस चेन को तो आप पहचानते होंगे। ये चेन, ये तो हमारी खानदानी निशानी है, तुम्हारे पास कहां से आया? इसका ये मतलब हुआ, जो हमारे घर में रहता है वो हमारा असली बेटा नहीं है। नहीं, आपका असली बेटा, जिसके ये कपड़े हैं, जिसके रगों में आपका खून है, वो कौन है? कहाँ है वो? कहाँ है मेरा बेटा? मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ इतना जान लीजिए उसकी जान खतरे में है। नहीं नहीं, वो मेरी इकलौती औलाद, वो मेरे खानदान की आखिरी निशानी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मुझे मेरी बेटी से मिला दो। आसमान जमीन पर कैसे उतर आए ठाकुर साहब? नहीं 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 नहीं, मैं ठाकुर साहब नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पाप, मुझे मेरे बेटे से मिला दो। अपने बेटे के लिए इतनी तड़प, और दूसरे का बेटा? क्या मेरा बेटा बेटा नहीं? अपने बेटे की जिंदगी चाहिए तो मुझे मेरा शंकर वापस कीजिए। शंकर, मैं तुझे मार डालने का हुक्म दे चुका हूँ। मार डालने का? बाप ने अपने बेटे को जान से मार डालने का हुक्म दे दिया, आज बाप अपने बेटे को मार डालेगा। मैं तुम्हारे शंकर की बात कर रहा हूँ। हाँ, शंकर ही आपका असली बेटा है।
शंकर, गरीबों का दोस्त हमारा दुश्मन, और हम अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ते। बांधो इसे जीप के बॉनेट पर। फेंक दो इसे खाई में, फेंक दो। शंकर, मेरे बेटे। बेटा? हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? कौन हो तुम? सच सच बताओ, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी सारी जायदाद का अकेला वारिस हूं। तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा। और इस दौलत के बीच मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। सबसे पहले ये तुम्हारा असली बेटा। हाँ बेटा, ठाकुर साहब का असली बेटा तू है। मैंने तो सिर्फ तुझे पाला है। ठाकुर साहब, लीजिए, संभालिए अपने नाम का वारिस।
देखा ठाकुर साहब, अमीरी गरीबी में फर्क देखा? अमीर सिर्फ लूटना जानता है, छीनना जानता है, अपना घर भरना जानता है, किसी को कुछ देना नहीं चाहता। और गरीब, ये गरीब मां अपनी पली पलाई ममता आपके हवाले कर रही है। ठाकुर साहब, गरीब दिल से आपसे बहुत ऊंचा है, उसे कभी छोटा मत समझिएगा। मैं गलत था बेटे, मुझे माफ कर। यारी कुदरत की दुआ है, यारी उल्फत का नशा है, यारी का नाम खुदा है, यारी से बढ़कर क्या है।